अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दारिया अरकम स्कूल फेडरल एरिया कैंपस सेशन 2021 एंड 22। हाउ आर यू क्लास 3? दिस इज योर साइंस वीडियो एंड टुडे वी आर जस्ट रिकॉलिंग द आवर फर्स्ट लेसन, दैट इज द ह्यूमन बॉडी इन व्हिच वी हैव रेड इन द क्लास। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स, सम ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल एंड सम आर इंटरनल। वी कैन नॉट सी द internal organs like heart, lungs, kidneys from outside, but we can see the external organs like eyes, nose, ears, hands, theek hai, we can see these organs, okay, but all the organs and systems of our body, they work together for us. The main organ of our body is brain. It controls all the human body organs and systems. ठीक है, there are three main parts of our brain: cerebrum, cerebellum and medulla. Cerebrum controls the memory and thinking and all the five senses of human body. ठीक है, and cerebellum controls the muscles. Medulla controls the activities of heart, stomach and kidneys. ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सेरिब्रम जो है हमारा ब्रेन का पार्ट, वो कंट्रोल करता है हमारी सोच को, मेमोरी को, याददाश्त को और हमारे सारे फाइव सेंसेस को। जो सेरिब्लम है वो कंट्रोल करता है हमारे मसल्स को, और जो मेड्यूला है वो एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, स्टमक और किडनीज, इनको कंट्रोल करता है। नाउ ह्यूमन सेंसेस एंड द सेंस ऑर्गन्स। We have five senses, as you all know. What are the senses we have? G, smell, sound, sight, taste and touch. ठीक है, और कौन कौन से sense organs हैं हमारे? जी हाँ, very good. Nose से हम smell करते हैं, ear for sound, eyes for sight, tongue for taste and skin for touch. सही है? These five sense organs or these five senses, जो ये five sense organs है, they take information from their surrounding and send to brain for action. इनकी जो information जाती है ये brain पर जाती है और brain जो है इसके accordingly act करता है. After the sense organs, we have read the systems of our body. There are seven main systems of our body: the skeleton, muscular, nervous, excretory, respiratory, digestive and circulatory system. ठीक है, first the skeletal system. What is the skeletal system? The framework of bones called the skeletal system. ठीक है, जो हमारी हड्डियाँ हैं ना, ये सारी जो है ना वो skeletal system में आती हैं, और ये हमें एक main support देती है हमारी body को और protect करती है हमारे inside जो body organs हैं उनको. ठीक है, अगर ये ना हो तो इंसान की body collapse कर जाए. The next main important system is our muscular system. It works closely with the skeletal system and forms the part of the body's framework. ठीक है, muscles जो हैं हमारे, मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स अगर हमारे कभी हम कोई भारी चीज़ उठा लें या कोई एक्सरसाइज इस तरह से कर लें तो हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें कितनी तकलीफ होती है और हम अपना वो बॉडी ऑर्गन जो है वो उसको मूव नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इसलिए मसल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। द अदर सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और इट इंक्लूड्स द स्टमक, माउथ, the liver, food pipe. ठीक है, माउथ से हम जो खाना खाते हैं वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है, और लिवर में वहाँ से ही हमारा ब्लड चला जाता है। ठीक, तो ये भी खाना खाने के लिए और हमारे ब्लड को सर्कुलेशन के लिए और हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए दिस सिस्टम इज यूजफुल। ठीक है जी, द नेक्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड is pumped by the heart to all the parts of the body. The blood circulates around the body through veins and arteries. ठीक है, arteries जो होती हैं they carry blood away from the heart and veins carry blood back to the heart. जो हमारे heart में blood साफ़ हो रहा होता है, clean blood होता है, उसको arteries जो हैं वो
हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में फैला देती हैं, और वेंस जो हैं, जो हमारी बॉडी का ब्लड गंदा हो जाता है, उसको वापस लेकर आती हैं टू द हार्ट टू क्लीन। ठीक है, ये एक पूरा सर्कुलेशन हो रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसमें हार्ट आर्टरीज और वेंस का बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। जी, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कंटेन्स द नोज, विंडपाइप एंड लंग्स। ठीक है, एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड इन टू द बॉडी। हम सबसे पहले नोज से जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम हुआ, दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेजेस टू द ब्रेन। जो हमारी नर्व्स होती हैं, इनके थ्रू हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो नर्व्स के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं ब्रेन में, और ब्रेन जो है वो फिर इन मैसेजेस पर रिएक्ट करता है। जो भी हमें करना होता है, हम जैसे फील करते हैं अपने स्किन से, जो हम टच का हमारी फीलिंग होती है वो हम जब टच करते हैं हमें पता चलता है, तो वो उस पर फिर हमारा ब्रेन जो है वो रिएक्ट करता है। द नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर, द किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन, एंड द स्किन गेट्स रिड ऑफ स्वेट। थ्री काइंड्स ऑफ हमारा वेस्ट निकलता है। वो किस तरह से वेस्ट हमारा निकलता है, ठीक है, लंग्स जो हैं वो वेस्ट एयर से अपना ये प्रोडक्ट होती है, वेस्ट जो प्रोडक्ट होती है वेस्ट एयर, उससे अपने आप को छुड़ाते हैं, और किडनीज जो हैं वो यूरिन के थ्रू जो है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है, और स्वेट जो है वो हमारे बॉडी का वेस्ट वाटर समझ लें जो हमारी बॉडी का होता है। ठीक है, उसको हम, ये हमारा पूरा सिस्टम है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। Now students, take out your science workbook and open page number 1. First you have to write down the date and day on which you will get the video. ठीक है, you can see this picture in the workbook and you have to draw some things that you can see with the eyes, that you can hear with the ears, that you can smell with the nose, and some things that you can taste with the tongue, and some things that you can feel the touch with your skin or hand. ठीक है, after drawing on page number 1, now open page number 2. Write down, first you have to write down the date and day on top of the page. They have a flow chart. ठीक है, they have given us a flow chart of our sense organs. ठीक है, जो हमारे sense organs हैं उनका ये flow chart है। इसको मैंने 3 columns इसके fill की हैं, I have filled these 3 columns. ठीक है, of this flow chart, and you have to complete it by your own with the help of this video. ठीक बेटा, now move towards our page number 3. First you can see the exercise, a matching exercise on the top of the page. ठीक है, you have to do it with the help of this video, and I hope you can understand all the information and all the concepts of this lesson, and you can do these exercises by your own. Hope to meet you again through these videos. ठीक है, see you soon inshallah. Till then, Allah Hafiz.